नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जीशान जावेद आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा तरीन खबरों पर। जहां इस समय पूरी देश दुनिया कोरोना को लेकर लगातार परेशान है, रीवा में भी कुछ दिनों पहले तक यह एक ऐसा लग रहा था, एक बड़ी समस्या बनने जा रहा है, जिस दौरान प्रवासी लोगों का आना यहाँ पर चालू हुआ। उस दौरान एक एक करके रीवा में, अगर आज तक की बात की जाए तो 7 जून तक 36 पेशेंट रीवा में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बेहतर खबर जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो एक बेहतर खबर ये है, उन 35 में से 36 में से 3 पेशेंटों की मौत हो गई। इसका मतलब रीवा में 33 कोरोना पॉजिटिव थे। 33 कोरोना पॉजिटिव में से अब आपको ये जानने के लिए मैं अब जो आपको बताऊंगा निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। इस समय रीवा के अस्पतालों में महज 2 ही कोरोना पेशेंट बचे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है सारे के सारे पेशेंट ठीक होकर रीवा के अस्पतालों से घर जा रहे हैं। रीवा के डॉक्टरों, रीवा के स्वास्थ्य कर्मियों, रीवा के प्रशासनिक अमले की तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये तारीफ के बात है। रीवा में केवल 3 मौतें हुई संक्रमण को लेकर, वो 3 के तीनों में से एक का दुर्घटना हुई थी, वो गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल लाया गया था, और जो 2 पेशेंट थे वो अन्य कई बीमारियों से भी ग्रसित थे। 3 गंभीर बीमारियों के पेशेंटों की रीवा में मौत हुई कोरोना के चलते। लगभग कोरोना वायरस से संक्रमित सारे मरीज रीवा के डॉक्टरों ने ठीक किए, वो चाहे संजय गांधी अस्पताल हो चाहे आयुर्वेदिक कॉलेज हो। यहाँ 2 जगह यहाँ के पेशेंटों को रखा गया था, लगातार उन पर निगरानी की गई, स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना काम बेहतर तरीके से किया, जिसका सीधा सा अर्थ है आज रविवार को 5 में से 3 पेशेंटों की और छुट्टी हुई। अब केवल 2 पेशेंट रीवा के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती हैं। डॉक्टरों के अनुसार उन दोनों की हालत भी बेहतर बताई जा रही है, निकट भविष्य में उन दोनों की भी छुट्टी हो जाएगी। अगर रीवा में कोई नया पेशेंट नहीं पाया गया तो ये माना जा सकता है अगले आने वाले हफ्ते में लॉकडाउन के दूसरे चरण में रीवा में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं होगा। रीवा के लोगों के लिए, रीवा के तमाम लोगों के लिए इससे बेहतर आज की तारीख में दूसरी खबर नहीं हो सकती। जी हाँ, दूसरी खबर नहीं हो सकती। रीवा में 7 जून को केवल 2 पेशेंट कोरोना संक्रमित पाए गए, बाकी सारे लोगों की यहाँ से छुट्टी कर दी गई है। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय निपनिया में COVID-19 के मरीजों हेतु कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसमें लगभग 27-28 मरीज हमारे पास उपलब्ध थे, भर्ती थे, जिसमें आज 3 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के कारण उनको आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय एवं SP साहब की उपस्थिति में उन मरीजों पर पुष्प वर्षा कर, ताली बजाकर उनका हौसला अफजाई करते हुए उनको अपने निवास स्थान पर रवाना किया गया। ये हम सभी खुशी की बात है कि आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 1 मरीज पॉजिटिव है, जो कि निकट भविष्य में जिन 2 या 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी तो उसको भी हम डिस्चार्ज करने की स्थिति में होंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।